हेलो ब्रियान, नमस्कार। मैं हूँ सराज। चले नए वीडियो के साथ आते हैं पनवेल लोकेशन में। मुंबई पुणे हाईवे है, ओल्ड हाईवे पे मैं आपके लिए एक एनए प्लॉट लेके आया हूँ। बहुत बड़ा टाउनशिप प्रोजेक्ट में यहाँ पे एग्जैक्टली मेरे पीछे साइड देख रहे थे, रियासत करके डेवलपर का नाम दिया है, संकल्प करके नाम है। ये पूरा प्रोजेक्ट है यहाँ पे 50 एकड़ में पूरा एनए प्लॉट है। यहाँ पे एनए प्लॉट 50 एकड़ में पूरा लैंड पार्सल दिया है। ये आप देख रहे हैं, ये मेन एंट्रेंस आ जाता है, ये गेट है पूरा दिया गया है यहाँ पे, और हाईवे से एकदम टच है। जो हाईवे अपना आएगा वहाँ से, जो मुंबई पुणे हाईवे है ओल्ड हाईवे, वहाँ से एकदम टच में है। आपको मैं वहाँ से स्टार्टिंग में वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में इसमें बता देता हूँ। इसमें देखा जाएंगे तो 325 प्लॉट्स दिए हुए हैं, एनए प्लॉट्स है। ये पूरा रेरा अप्रूव है, MSRDC अप्रूव है, दिया गया है यहाँ पे। इसमें पनवेल से जो देखा जाएंगे तो पनवेल से अप्रॉक्स एक 18 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाता है यहाँ पे। एंड जो अपना नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है वहाँ से देखा जाएंगे तो आप अप्रॉक्स आधा घंटे में यहाँ तक इसके अंदर पहुँच सकते हैं यहाँ पे। तो इसका जो लेआउट प्लान बहुत अच्छा दिया हुआ है, अलग अलग लोकेशन पे, छोटे से प्लॉट से लेके बड़े प्लॉट्स तक। मतलब आपको देखा जाएंगे तो 1150 स्क्वायर फीट से लेके आपको 5000 स्क्वायर फीट तक जाइए, इसके अंदर स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया पे है यहाँ पे। तो ये प्राइसिंग देखा जाएंगे तो आपको मैं बता देता हूँ, 6000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रखा हुआ है। फाइनल रेट है, फिक्स रेट दिया हुआ है इनका निगोशिएट नहीं है यहाँ पे। और इसके अंदर एमिनिटीज़ में सब कुछ दिया है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये पूरा गार्डन किया हुआ है, ये पूरा एमिनिटीज आ जाता है। 1,00,000 स्क्वायर फीट में पूरा एमिनिटीज आ जाता है। स्विमिंग पूल है, जैन टेंपल है, हिंदू टेंपल्स है, हिल वॉच टावर है, किड्स प्ले एरिया दिया है, ओपन एयर जिम है, ओपन एयर पार्टी जोन है, ओपन एयर डिस्कशन रूम दिया है, वॉलीबॉल कोर्ट है, एम्पलीफायर थिएटर दिया है, और बहुत सारे एमिनिटीज सब कुछ दिए हुए हैं इसके अंदर। अपने एमिनिटीज़ में देखा जाएंगे तो एमिनिटीज़ की कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ पे देखा जाएगा तो एमिनिटीज बहुत सारे आ रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो रोड है, जो हाईवे है, वहाँ से हम ड्राइव करके आप हम आएंगे यहाँ से, तो और पूरा प्रोजेक्ट के बारे में अंदर के साइड में बताऊँगा। अलग अलग प्लॉटिंग वाइज किए हुए है, डिटेल्स मिल जाएगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, डिटेल्स पूरा इसके अंदर मिल जाएगा यहाँ पे। और एक बात है कि ये जो प्लॉटिंग दे रहे हैं ये टाउनशिप प्रोजेक्ट में, इसके अंदर एक स्कूल का भी रखा हुआ है प्लॉट, स्कूल भी रखेंगे। कमर्शियल्स है, कमर्शियल चाहिए तो कमर्शियल भी प्लॉट है अपने पास अवेलेबल। कमर्शियल प्लस आपको रेसिडेंशियल करना है वो भी प्लॉट्स है अपने पास अवेलेबल। मतलब सब कुछ अवेलेबल दिए हुए है। तो इसका हम आपको अभी पूरा अंदर टूर करते हैं और पूरा डिटेल्स आपको बताते। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक नहीं तो सबसे आप लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए, सबका मुझे बेल आइकन है वो भी दबा सके, आने वाले नोटिस सबसे मिल जाए। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए ये हाईवे है सामने, ये मुंबई पुणे हाईवे है, ओल्ड हाईवे है। ये हाईवे के टच में मैं आपको थोड़ा सा यू टर्न करके दिखाता हूँ। ये टूवर्ड अभी मैं टर्न मार रहा हूँ ना, ये टूवर्ड पनवेल के तरफ चले जाता है, मुंबई के तरफ चले जाता है ये रोड सीधा यहाँ पे। और ये सामने ये देखा जाएंगे तो ये अपना ये पूरा प्रोजेक्ट दिया है, देखिए रियासत संकल्प करके दिया है। ये एंट्रेंस है यहाँ से, अभी फिलहाल ये रोड देख रहे हैं 30 मीटर का रोड है। ये फ्यूचर प्लानिंग है, ये हाईवे से लेके एक्सप्रेस हाईवे का पूरा 100 मीटर्स का रोड होगा यहाँ पे। तो ये एंट्रेंस आ जाता है यहाँ से, इस तरह हाईवे से। और ये देखिए पूरा अंदर, ये आगे जाके रोड पूरा होगा। अभी फिलहाल ये जो रोड बनाया है 30 मीटर का रोड बनाया हुआ है, जो इनके जो पोजीशन भी प्लॉट को देना स्टार्ट भी किया हुआ है, प्री लॉन्च वाला भी स्टार्ट किया गया है। 325 में से प्लॉट ले, उसमें से देखा जाएंगे तो 200 प्लॉट है ना सोल्ड आउट हो चुके हुए हैं यहाँ से। तो अभी हम इस तरफ देखा जाएंगे तो ये मेन गेट आ जाता है, ये देखिए मेन एंट्रेंस है, ये पूरा मेन एंट्रेंस मेन गेट आ जाता है यहाँ से। और अंदर से यहाँ पे आप, यहाँ से आप राइट हैंड साइड में देखा जाएंगे तो 1,00,000 स्क्वायर फीट में पूरा एमिनिटीज दिए हुए हैं इसके अंदर। और यहाँ पे एक अलग से स्कूल्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा प्लॉटिंग का अंदर का काम चालू है यहाँ पे, ये देखिए ये पूरा प्लॉट का पूरा काम चालू है यहाँ पे। सो इसके अंदर आपको प्लॉट्स का जो कमर्शियल प्लॉट और रेसिडेंशियल प्लॉट वाला मैंने बताया, वो भी मैं आपको बताऊंगा जब आप विजिट करेंगे ना लोकेशन पे या देखने के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा। और ये देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा प्लॉट का काम चालू है, देखिए ये पूरा प्लॉट का काम चालू है, सब प्लॉटिंग करके रखे हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से भी देखिए, ये अभी पूरा ये इंटरनल रोड है, पूरा कॉन्क्रीट का रोड किया है, ये देखिए यहाँ से। तो ये देखिए पूरा प्लॉटिंग, आगे जाके रोड का भी काम चालू है बाकी है। तो यहाँ से अभी थोड़ा देखिए ये पूरा प्लॉटिंग का जेसीबी दिख रहा है आपको,
ये पूरा प्लॉटिंग का यहाँ से वहाँ तक का पूरा काम चालू है यहाँ से। तो ये देखिए पूरा प्लॉटिंग का है, और अब इंटरनल रोड सब चीज प्लॉट वाइज नंबर सब आपको मिलेगा यहाँ पे प्लॉट नंबर के हिसाब से। ये देखिए यहाँ पे एक जन का है, अभी देखिए यहाँ पे देखिए प्लॉट नंबर डाला है 65, 64, ऐसा प्लॉट नंबर सबके इसमें डाले हुए हैं। तो सब यहाँ पे आपको प्लॉट वाइज मिल जाएगा यहाँ पे। तो इसमें वाटर कनेक्शन, ड्रेनेज लाइन सब कुछ करके रखा हुआ है, एंड पानी कनेक्शन का है यहाँ पे, इसमें बोरवेल का भी है इसके अंदर, सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पे, एमिनिटी सब है। और मेन क्या है, आपको ना सब बैंक से अप्रूव मिलता है, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, पिरामिड बैंक से आपको ना सब बैंक से प्लॉट के ऊपर आपको लोन मिल जाएगा। आप जो प्लॉट्स लेंगे उसके ऊपर लोन मिलेगा आपको, वो एक बेनिफिट है आपको यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट ये देखा जाएंगे तो प्लॉट के ऊपर 80% लोन दे रहे हैं, 80-70%, बाकी का आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे चलते हैं थोड़ा, यहाँ का भी देखिए रोड का काम चालू है। ये देखिए पूरा अंदर यहाँ पे ये पूरा प्लॉट है, राइट हैंड साइड में भी, लेफ्ट हैंड साइड में भी पूरा प्लॉट दिया है यहाँ पे। ये देखिए ये पूरा प्लॉट किया गया है यहाँ, इस तरफ भी अभी रोड आएगा आगे जाके फिर रोड टर्न हो जाएगा। इसमें देखा जाएगा 15 मीटर का रोड है, 9 मीटर का रोड है, 11 मीटर का रोड है। आपस में आपको यू टर्न लेता हूँ क्योंकि रोड का काम चालू है फिलहाल यहाँ पे। और सामने प्लॉट है, देखिए सबको ऐसा प्लॉटिंग वाइज करके दिया हुआ है। तो बहुत अच्छा है, लोकेशन प्राइम है, आप एक बार विजिट करेंगे, लोकेशन देखेंगे तो आइडिया मिल जाएगा आपको। बट इसके अंदर ध्यान रखिए, मेरा कोई भी ब्रोकरेज नहीं है इसके अंदर, आप वो ध्यान रखिए क्योंकि मैं इनका सेल्स मार्केटिंग कर रहा हूँ, आपको पता है। नहीं तो सोचेंगे आप, बोलेंगे कि अरे ये तो ब्रोकरेज लेगा, चलो अपन डायरेक्ट चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप आइए, इनके साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो आपके लिए बेस्ट करा के नहीं दूंगा, क्योंकि इसका जो प्राइसिंग है 6000 के नीचे रेट नहीं दे रहा, बट 6000 में आपको सब इंक्लूडेड आ गया इसके अंदर, आपका डेवलपमेंट चार्जेस सब इंक्लूड आ गया इसके अंदर, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन सब 6000 के अंदर ही आपको इंक्लूडेड मिल जाता है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे भी प्लॉटिंग का चालू है यहाँ पे काम, ये देखिए यहाँ पे भी ये पूरा प्लॉटिंग का काम चालू है। देखिए तो बहुत अच्छा दिया हुआ है, जो कॉर्नर वाले प्लॉट है ना, बहुत थोड़ा सा कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है यहाँ से, तो वहाँ तक पूरा प्लॉटिंग किया हुआ है। आगे तक चलते हैं, आगे का रोड हो गया चुका हुआ है कुछ, ये 11 मीटर का रोड है, कुछ 9 मीटर के रोड पे है। ये देखिए यहाँ पे अभी ये पूरा प्लॉटिंग का है इस तरफ, ये देखिए पूरा ये प्लॉटिंग का आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे देखो पूरा कंस्ट्रक्शन, ये रोड है, ये पूरा अप्रॉक्स एक देखा जाएंगे तो मुझे लग रहा है ये तो 100 फीट का रोड लग रहा है। तो वापस यू टर्न मारते हैं क्योंकि रोड का काम चालू है, आगे नहीं जा सकते हैं। ये मत, ये सामने दिखना भी दिख रहा है आपको, पूरा प्लॉटिंग आ जाएगा यहाँ पे। तो बेस्ट है आपके लिए, अंदर इंटरनल रोड सब कुछ रेडी है, और प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है, प्लस क्या है, रेरा अप्रूव है, इसके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए पूरा प्लॉटिंग का काम चालू है यहाँ से। देखिए इस तरफ ये पूरा रोड है अंदर के साइड में, ये पूरा देखा जाए तो 30 से 40 मीटर का रोड है, उस साइड से पूरा कंपाउंड वॉल आ जाएगा। और ये देखिए ये रोड पूरा चालू है, ये देखिए अंदर के साइड में ये सीधा रोड अपना वहाँ से एंट्री करेगी, जहाँ से आप एंट्री किए थे ये रोड सीधा आएगा यहाँ पे। आई थिंक सो यहाँ पे काम चालू है रोड का, इसलिए इतना तक बनाया हुआ है, बाकी का रोड बाकी है आगे बनाने का। आप राइट हैंड साइड में देख रहे हो पूरा प्लॉट है, उस तरफ वो पूरा प्लॉट दिया गया है। तो यहाँ पे अभी रोड का काम बाकी है, वापस यू टर्न मार लेते, मतलब इन्होंने आधा आधा जितना भी है पूरा रेडी करके रखा हुआ है। एमिनिटीज़ का बहुत सारे एमिनिटीज़ दिए हुए हैं इसके अंदर, अभी हम वापस वहाँ पे चलते हैं रिटर्न, क्योंकि रोड का काम चालू है इसके लिए। तो अभी हम आगे की तरफ चलते हैं, अभी सेम वही रोड पे जाएंगे। तो ये पूरा टाउनशिप प्रोजेक्ट है, आप आइए विजिट करिए, देखिए प्रोजेक्ट देख लीजिए, कांटेक्ट करिए। मैं तो मैं पुष्पक नगर में रहता हूँ, वहाँ पे भी आएंगे तो भी चलेगा, मैं आपको प्लॉट दिखा दूँगा। ये देखिए ये पूरा प्लॉटिंग का काम चालू है, देखिए
जो जैसे मैंने यू टर्न करके मारा था आपको वहाँ से, और यहाँ से फिर वापस हम अभी बाहर की तरफ चलेंगे। तो ये पूरा प्लॉट, ये जितने भी आपको फ्लैग दिख रहे हैं, ये सब पूरे प्लॉट्स के अंडर आ जाता है। 125 प्लॉट अभी अवेलेबल है अपने पास। सो उसमें से तो आप लोग जो मेरे YouTube चैनल देख रहे हैं तो 100 जन तो लीजिए प्लॉट, क्योंकि अच्छा है फीचर में। क्योंकि सामने जो व्यू दिख रहा है वो पूरा माथेरान व्यू आ जाता है, यहाँ पे हिल व्यू आ जाता है, माथेरान के इसके अंदर अंडर आता है। इसीलिए परमिशन नहीं है यहाँ पे, मतलब कंस्ट्रक्शन करने के लिए, मतलब जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नहीं परमिशन है यहाँ पे। बाकी आप इसके अंदर आप G+2 फ्लोर का आप कर सकते हैं, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बंगलो बना सकते हैं, विला बना सकते हैं, जैसे आपको करना है। और इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतना साल में ही बनाना है, या आप 10 साल रखो प्लॉट, या 15 साल रखो प्लॉट, या 20 साल रखो प्लॉट, आपको जब मन चाहा तभी बनाना है तो आप बना सकते हैं यहाँ पे। अभी हम एग्जैक्टली बाहर की तरफ आ चुके हुए हैं। सो आपको इंटरेस्ट रहेगा, स्क्रीन पर जो नंबर दिया उस पर कॉल करिए साइड विजिट के लिए। और ये वीडियो मैंने आपको शेयर कर दिया है, और पूरी डिटेल्स चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सअप पे पूरा डिटेल्स भेज दूंगा। तो मुझे व्हाट्सअप और पिंग कर दीजिए, व्हाट्सअप पे जो नंबर है मेरा ही नंबर है, आप कॉल करिए मुझे व्हाट्सअप पे। तो बस इतना ही वीडियो मैंने आपको शेयर किया। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए। सबका मुझे बेल आइकन है, वो भी वैसे कि आने वाले नोट में सबसे मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।